नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश न्यूज़। ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत मेहरा पंचायत में आज 5 वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए, जिसमें वार्ड नंबर 1 से निर्मला देवी, वार्ड नंबर 2 से सुनीता देवी, वार्ड नंबर 3 से सुषमा कुमारी, वार्ड नंबर 7 से कुसुमा देवी और वार्ड नंबर 8 से सुनील कुमार को निर्विरोध चुना गया। बाकी अब 4 वार्ड में से 12 कैंडिडेट मैदान में हैं। वार्ड नंबर 9 में सबसे ज़्यादा 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान पद के लिए अब 3 उम्मीदवार रह गए हैं। आज 2 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। अब उप प्रधान पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। मेहरा पंचायत के अंदर कितने लोग निर्विरोध चुने गए हैं और कितने लोगों ने नामांकन भरा है? मेहरा पंचायत में हमारे 5 वार्ड जो है निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी 4 वार्ड के लिए हमारे पास 12 कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। सबसे अधिक वार्ड नंबर 9 में 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रधान पद के 3 उम्मीदवार रह गए हैं। 2 लोगों ने आज अपना नामांकन वापिस ले लिया। इसी के साथ उप प्रधान जो है उसके लिए 6 कैंडिडेट मैदान में है, किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। और अब ये 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा। जो लोग निर्विरोध चुने गए हैं कौन कौन से वार्ड से, क्या नाम है उनके? ये वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 7, वार्ड संख्या 8, इनमें से ये 4 महिलाएं हैं और एक पुरुष कैंडिडेट है जो निर्विरोध चुना गया है। वार्ड नंबर 1 में निर्मला देवी, वार्ड नंबर 2 में सुनीता देवी, रमा देवी ने आज इनके फेवर में अपना नामांकन वापस ले दिया। वार्ड नंबर 6 सुषमा कुमारी, वार्ड नंबर 7 जो कि रिजर्व है।